हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर 12 बजे का वक्त हो गया है और हम लेकर हाजिर हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, अब की बार किसकी सरकार। उत्तर प्रदेश और पंजाब की हर चुनावी खबर आपको इसी शो में मिलेगी। हर वो न्यूज जिससे 2022 के इलेक्शन पर पड़ेगा असर, गारंटी देती हूं कि कोई बड़ी खबर आपसे छूटेगी नहीं। तो सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की तीन बड़ी खबरों पर जिसका सीधा सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। जी हाँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो मुस्लिम वोटों को काटेंगे, मुस्लिम वोटों का अगर सेंध लगाएंगे तो नुकसान किसका होगा, इस पर डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ी हुई है। यह खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां पहले यूपी में एक ये बड़ा मुद्दा बन गया है चुनाव से पहले, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आबादी को लेकर एक मजहबी कार्ड खेल दिया है। ये कार्ड क्या है आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर, धर्मांतरण फैक्ट्री पर ताला कब लगेगा, इससे जुड़ी हुई भी खबर आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। इनमें शामिल हो जाएंगे क्योंकि ये लोग सत्ता के बिना कतई भी नहीं चल सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखकर हमारी पार्टी ने यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन यहाँ मैं इस चुनाव के संबंध में ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यदि हमें ऐसा लगता कि ये चुनाव निष्पक्ष होने वाला है तो फिर हमारी पार्टी ये चुनाव जरूर लड़ती, और हमारे काफ़ी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी जरूर चुनकर आते। हालांकि बीएसपी ने अपनी सरकार के समय में चाहे छोटा चुनाव हुआ हो या बड़ा चुनाव हुआ हो, उसमें ऐसी कुछ भी बेईमानी व धांधली आदि नहीं होने दी है, जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी इन सब बातों को जरूर गंभीरता से लेगी, और यहाँ इस बार आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी। लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है, क्योंकि विरोधी पार्टियाँ एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत खासकर मीडिया के जरिए अभी से ही ये एक अफवाह फैलाने में लग गई है कि बीएसपी इस चुनाव की तैयारी के लिए जितनी सक्रिय होनी चाहिए उतनी नज़र नहीं आ रही है, ताकि पार्टी के लोगों का अभी से ही इस चुनाव में उत्साह कम हो जाए। जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि कोरोना महामारी की पहली लहर के ढीले पड़ते ही मैं फरवरी महीने के शुरू से ही यहाँ लखनऊ में मौजूद हूँ, और यहाँ कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रदेश में पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने के लिए मेरी आए दिन पार्टी संगठन की छोटी बड़ी मीटिंगें बराबर चल रही हैं, जिन्हें मैं दूसरी पार्टियों की तरह दर्शाने के लिए रोजाना मीडिया आदि को नहीं बुलाती हूँ। इसलिए मीडिया को भी बीएसपी को कम नहीं आंकना चाहिए, जिसको अपने देश में यहाँ लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ भी माना जाता है। वैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी यहाँ बीच बीच में अन्य राज्यों की भी बराबर मीटिंगें चलती रहती हैं, ये भी मैं आज मीडिया बंधुओं को अवगत कराना चाहती हूँ। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यूपी की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए यही कहना है कि यूपी को बचाना है, बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, लाना है, वह जरूर लाना है।
यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है। इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत व धन्यवाद। आपने मायावती को सुना, उन्होंने कहा कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है, लेकिन साम दाम दंड भेद से सावधान रहना है। उन्होंने पंचायत चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए भी अपने किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा को वो अपनी पूरी ताकत से साथ देंगी। आपको जानकारी दे दें, भागीदारी संकल्प मोर्चा वामपंथी राजनीतिक दलों का एक राजनीतिक गठबंधन है, जिसकी ताकत बढ़ाने का काम मायावती करेंगी, अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें। और अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से समीकरण बिठाया जाएगा, यूपी पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त हुई है, ये आरोप मायावती ने लगाया है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि मायावती तैयारी कर रही हैं 2022 के चुनाव की, लेकिन फिलहाल वो शायद बाकी दलों की ताकत समझ रही है, टटोल रही है, इसलिए खुद अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है। देखिए, इसके कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं उसमें अभी आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने 18 जिलों में निर्विरोध अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुनवा लिया है, और समाजवादी पार्टी ने अभी एक जगह चुनाया है, लेकिन बाकी जगह सीधी टक्कर सपा और बीजेपी की है। तो शायद मायावती को इस तरह की बात लग रही है कि जनता में संदेश जा रहा है कि बीएसपी किसी तरह का संघर्ष नहीं कर रही, कोई लड़ाई में नहीं आ रही। तो इसकी सफाई वो आज लेकर आई हैं कि क्योंकि इसमें बेईमानी हो रही है, इसलिए उस चुनाव में शामिल वो नहीं होंगी। तो एक तरह से अपने वोटर को वो ये संदेश देना चाहती हैं कि बीएसपी भी मैदान में है, और जब 2022 का चुनाव आएगा विधानसभा का, तो पूरी ताकत से वो इस चुनाव में उतरेंगी। मीनाक्षी जी, रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। इलेक्शन शो की आज की बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई, जो अब यूपी चुनाव में कूद पड़े हैं। जी हां, 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, खबर आई है कि बीएसपी के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन मायावती ने कल ही इस बात का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि वो AIMIM के साथ किसी तरीके की गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगी। AIMIM में उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओवैसी का कहना है कि वो 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, और इसके लिए AIMIM भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, AIMIM 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। आपको एक ट्वीट बता देते हैं, ट्वीट से आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि ओवैसी की मंशा क्या है। ओवैसी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि यूपी चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। दूसरा ट्वीट आगे वो क्या करते हैं, राजभर का उन्होंने जिक्र किया अपने इस दूसरे ट्वीट में। हम ओपी राजभर साहब भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं, हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। यानी इस बात का खंडन एक तरीके से AIMIM ने भी कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कर दिया कि बीएसपी के साथ कोई गठबंधन वो नहीं करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान के बाद अब एक बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी यूपी में किसका खेल बिगाड़ेंगे। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समीकरणों को समझने की भी जरूरत है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले जो गणित बैठाई जा रही है, ये गणित बहुत दिलचस्प है। यूपी में 19% मुस्लिम आबादी है, मुसलमान वोटर्स है, और अगर ये आबादी किसी एक खेमे में चली जाती है तो उस दल की जीत बहुत आसान हो जाती है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की नज़र इसलिए इस वोट बैंक पर हमेशा से रही है, लेकिन AIMIM का आ जाना इन दलों की चिंता को बढ़ाता है कि अगर AIMIM मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सपा की या बसपा की ताकत को वो कमज़ोर कर देंगे। मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी भी दावा करती है, और बीएसपी भी और कांग्रेस भी सबसे नीचे। अब आप ये देखिए, इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि किसकी चिंताएं बढ़ने वाली हैं अगर AIMIM
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आती है और अपनी दावेदारी साबित करती है। अब अखिलेश यादव का ये MY फैक्टर क्या है, ये आपको समझाते हैं। MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर, जो सबसे बड़ी वजह है अखिलेश यादव की डर की। उनके कॉन्फिडेंस को देखिए, जिसके जरिए MY फैक्टर के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस लौटने का वो दम भरते हैं, वो आप समझिए। यादव जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक OBC का हिस्सा है, कुल 10% यादव है जो अखिलेश के कोर वोटर कहे जाते हैं। इसके अलावा 19% मुसलमान हैं, ज़्यादातर अखिलेश के साथ रहते हैं और BSP के साथ भी कुछ हिटक कर जरूर जाते हैं। लेकिन अब इसी MY समीकरण में सबसे बड़ी सेंध लगने वाली है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने UP इलेक्शंस में एंट्री कर ली है। लेकिन UP विधानसभा चुनाव में नजर किन जिलों पर रहने वाली है वो भी आप देखिए। वो टॉप 10 मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ वोटों की लड़ाई बड़ी है। इसमें मुरादाबाद 51% मुसलमान वोटर्स हैं, यहाँ पर रामपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 50% मुसलमान वोटर्स है। बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, शामली देखिए 42% यहाँ पर भी, और मुजफ्फरनगर में 41%। अमरोहा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 41% मुसलमान वोटर्स हैं, बलरामपुर में 37%, मेरठ में 34 और बहराइच में 34%। अब आप ये समझिए, आप याद करिए ज़रा बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों को, जहाँ पर AIMIM के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और जीता भी, 5 कैंडिडेट्स उनके जीत हासिल करने में कामयाब रहे। ऐसे में आप ये समझिए कि अखिलेश यादव की चिंता बढ़ना लाजमी क्यों है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करें। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि भारतीय संकल्प मोर्चा में कौन कौन है। मोर्चे में करीब 8 दल शामिल हैं, सुहेल देव समाज पार्टी, जन अधिकार पार्टी, अपना दल, और इसके अलावा राष्ट्र उदय पार्टी भी इसमें शामिल है, जनता क्रांति पार्टी, भारत माता पार्टी और भारतीय वंचित समाज पार्टी भी इसमें शामिल है। हम बात करें भारतीय संकल्प मोर्चा की, जिसकी बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि इनके साथ मिलकर हम चुनावों में जाएंगे। अब हमारी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं, हम उन्हीं से सीधा चर्चा कर लेते हैं। रुचि, जब हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के समीकरण को देखते हैं तो मुझे बिहार विधानसभा चुनाव भी याद आता है, जहाँ पर AIMIM ने BJP के विरोधियों का खेल बिगाड़ दिया। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप यूपी में देखेंगे, जैसा आप बता भी रही थी कि मुस्लिम वोट कितना मायने यहाँ पर रखता है, यूपी की जो विधानसभा सीट्स हैं उसमें कहा जाता है कि करीब 143 सीट ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम वोट अपना असर रखता है। इनमें से करीब 70 सीट हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट करीब 20-30% है, और 73 सीट ऐसी हैं जहाँ पे 40-45% मुस्लिम वोट है, और रामपुर और मुरादाबाद में 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। तो लिहाजा इन सीट्स पर बहुत मायने रखता है कि मुस्लिम वोट आखिर जाता कहाँ पर है। तो अभी क्या है कि अखिलेश यादव की मुस्लिम वोटों पे नज़र है, BSP की मुस्लिम वोटों पे नज़र है, साथ में कांग्रेस भी आ रही है और कांग्रेस पूरा एक कैंपेन चला रही है मुसलमानों के बीच में जाकर, मुसलमानों से लगातार उनकी जूम मीटिंग हो रही है जिसमें वो बता रहे हैं कि असली मुस्लिम्स का काम करने वाली कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, BSP ने क्या क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें जूम मीटिंग के ज़रिए उनको समझाई जा रही हैं। अब अगर ओवैसी की बात करेंगे तो 2017 में ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, 38 सीटों पे वो खड़े हुए थे उनके उम्मीदवार, हालांकि 37 पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी मीनाक्षी, लेकिन 13 सीटें ऐसी थी जिसमें वो चौथे नंबर पे आए थे और बहुत सारी सीट्स पे उन्होंने समाजवादी पार्टी को ठीक ठाक नुकसान पहुँचाया था। तो भले ही वो सीट ना जीत पाए लेकिन वो समाजवादी पार्टी हो चाहे BSP, क्लैरिटी आप दीजिएगा, क्योंकि अभी मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप और मैं हम दोनों सुन रहे थे, उसमें ये बात कह रही थी कि भागीदारी संकल्प मोर्चा को हमारा पंचायत चुनाव में तो साथ है, लेकिन ये वही मोर्चा है जो विधानसभा चुनाव में AIMIM के साथ चुनावी मैदान में होगा, तो ये दूरी BSP की क्यों? देखिए ऐसा है कि BSP मायावती का जहां तक सवाल है, उन्होंने कल ये साफ कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है
वो किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगी। उनका कहना है कि जो गठबंधन के पुराने उनके अनुभव हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारा वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जिस पार्टी से हम गठबंधन करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, उसके वोट हमारे तरफ ट्रांसफ़र नहीं होते, ऐसा मायावती का कहना है। तो लिहाजा उन्होंने ऐलान कर रखा है कि 2022 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। जहाँ तक इसका गठबंधन का सवाल है, ये राजभर बना रहे हैं, वो उनका कहना है कि 10 से 11 पार्टी उनके इस गठबंधन में आ चुकी हैं। रुचि, जो हम जानते हैं, जो बीजेपी को डूबती नैया कह रहे हैं, अब किसकी नैया डूबेगी, किसकी नैया पार लगेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हम लोग तो अभी से केवल कयास ही लगा सकते हैं। रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में मजहब के बहाने कैसे ध्रुवीकरण कराने की कोशिश हो रही है, इस पर बड़ी खबर अपडेट के साथ लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।